Hello everyone, welcome to my channel. Please like, share and subscribe so that I can bring you more videos. आज की वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है और जैसा कि टाइटल से आप देख रहे हैं कि जॉब्स इन गल्फ के हवाले से मैं जो है वो आपको अपना जर्नी शेयर करूंगा कि मैंने कैसे जो है वो जॉब स्टार्ट की गल्फ में और उस हवाले से आपको फिर जो है वो फर्दर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको उसी से गाइडेंस मिलेगी कि कैसे आप लोग भी गल्फ के लिए अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। मैंने 2013 में अपना करियर स्टार्ट किया था और 1.5 ईयर जो है वो होम कंट्री में जॉब करने के बाद वहाँ से फिर मुझे जो है वो जॉब ऑफ़र हुई। और जॉब ऑफ़र कैसे हुई, मुझे लिंक्डइन के थ्रू जो है वो कॉन्टेक्ट किया था एक पर्सन ने और उन्होंने कहा कि जी जॉब है ऐसे तो आप इंटरेस्टेड हैं तो बताएं। मैंने सीवी अपनी शेयर की और फिर मेरा इंटरव्यू हुआ और 2 इंटरव्यूज़ हुए, उसके बाद फिर सिलेक्शन हो गई और फिर मैंने डिसाइड किया वहाँ पे मूव करने का। तो जो स्टार्ट के लिए जो मैंने जो उस टाइम एक्सपीरियंस किया और वो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि जो जो लोग स्पेशली जिनके आप भी एक्सपीरियंस 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं प्रेफर यही करूँगा सबको कि जो बिल्कुल फ्रेशर हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उनसे उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपने होम कंट्री में गेन करें जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं ऑलमोस्ट 1 या 2 ईयर्स का, तो उसके बाद फिर आप ट्राई करें जॉब्स के लिए अगर आप गल्फ कंट्री में मूव करना चाहते हैं। मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मैंने ऑनेस्टली मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस था स्टार्ट में और थ्रू आउट जो 8 ईयर्स का मेरा गल्फ का एक्सपीरियंस रहा उसमें मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, मुझे जो ज़्यादातर जॉब की ऑफर्स आई हैं या इंटरव्यू की कॉल आई हैं या वैसे ही जो है वो किसी ने कांटेक्ट किया, तो वो मेन जो मेरा सोर्स था वो मुझे लिंक्डइन के थ्रू ही कांटेक्ट किया। तो मैं सबको यही एडवाइस करूँगा कि आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहें और कंपनीज़ को सर्च करें, कनेक्शंस को कंपनीज़ में जो काम करते हैं उनके थ्रू कनेक्शंस बनाएं और फिर जो है वो आपको अगर प्रोफाइल अच्छी है तो आपकी वहाँ पर आई होप कि आपको जो है वो वहाँ से ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगी। तो वैसे स्टार्ट में जब मैंने किया था तब मैंने तो ये किया था कि जितनी भी वेबसाइट्स थी मुझे उस टाइम नज़र आई तो मैंने सब में अपनी प्रोफाइल बना ली थी, लेकिन मैं ऑनेस्टली बात करूँगा कि मुझे किसी से कोई इतना ख़ास बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ जैसे गल्फ टैलेंट, नौकरी गल्फ और ये दूसरी जो वेबसाइट्स हैं इन सब में अकाउंट्स बनाने में तो कोई हर्ज नहीं है, आप अकाउंट्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन मुझे जो रियल बेनिफिट जहाँ से नज़र आया, जहाँ से मुझे जॉब भी ऑफर हुई और जहाँ से कंपनीज ने अप्रोच किया मुझे, तो वो फर्स्ट नंबर पर जो है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन पर ही मुझे ज़्यादातर कंपनीज ने, जब मैं दुबई में गया हूँ मैंने भी कंपनीज को अप्रोच अगर किया तो लिंक्डइन के थ्रू किया है। कॉन्टैक्ट्स जो मेरी फील्ड के थे रिन्यूएबल एनर्जी के उसमें वो मैंने उन्हीं लोगों से कनेक्ट किया। और सेकंड नंबर पे जो वेबसाइट थी वो इंडीड थी। इंडीड में भी जो है वो काफ़ी सारी जॉब जो हैं वो आती थी और इंडीड में एक्चुअली जो है वो काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स हैं उनकी कलेक्टिव जॉब वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो अगर स्पेसिफिकली और इंडीड के लिए अगर आप यूज़ करेंगे जो उनकी एक्सटेंशन स्पेसिफिक कंट्री की एक्सटेंशन है तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जैसे दुबई की जो थी वो indeed.ae थी, तो आप उस एक्सटेंशन से उसको देखें, वहाँ पे आपको रेलेवेंट जॉब्स जो हैं वो मिल जाएंगी वहाँ पे उसके हवाले से। अच्छा, कोशिश करेंगे अपनी जो आपकी सीवी है ना वो ज़रा अट्रैक्टिव बनाएं। उसमें आपको मैं वैसे स्लाइटली गाइड कर देता हूँ कि जो सीवी है उसमें आपका जो पहले नंबर पर तो ये है कि मैंने काफ़ी सारी सीवीज़ देखी हैं उनमें लोग पिक्चर्स ऐड कर देते हैं, तो इन माई ओपिनियन वो कोई इतनी ख़ास अट्रैक्टिव नहीं लगती सीवी। तो सीवी में पिक्चर ऐड नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। उसके अलावा जो है जो आपका फॉर्मेट है वो बड़ा सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने एक्सटेंसिव टेक्स्ट में लिखा होना चाहिए, टू दी पॉइंट बात करनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपने सीवी में लिखा हुआ है ना उसके बारे में आपको पता हो। समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग किसी की सीवी कॉपी करके जो है वो बीच में चीज़ें ऐड कर देते हैं और बाद में अगर हमें इंटरव्यू की कॉल आती है या उस तरह से कोई कुछ आता है तो वो जो इंटरव्यू करने वाला है वो आपकी सीवी को देख के ही आपसे क्वेश्चन करेगा, तो वो पोजीशन पे बाद में आएगा, वो पहले आपकी सीवी पे आपको क्वेश्चन करेगा उसके बाद वो आपसे जो है वो पोजीशन के रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। तो ये एक बात है जो आपको देखनी चाहिए। आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं जहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे जो है वो इसके टेम्पलेट्स मिल जाते हैं सीवी के,
मैं एक आधी वेबसाइट जो मुझे पता, मैं यहाँ पे इसमें डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, अगर आपको किसी पे सी वी अपडेट करनी है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। एक और बात मैं बस ऐड करूँगा इसमें, जो लिंक्डइन में आप लोग अगर अफोर्ड कर सक रहे हो, जो लोग इनकी लिंक्डइन की सब्सक्रिप्शन जो होती है वो अगर आप ले लें तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। तो एक उनके काफ़ी डिफरेंट प्लान्स होते हैं, जो करियर ओरिएंटेड प्लान होता है वो आप ले लें। उसमें स्टार्ट में मेरे ख्याल से आपको ऑफर्स भी मिल जाती हैं 50% ऑफ पे और इस तरह से, तो जो अफोर्ड कर सकता है वो मैं कहूँगा वो ले ले। उसमें दो बेनिफिट हैं, एक तो आपको मोर जो है वो एक्सेस मिल जाती है, आप लोग जो लोग हायर उस पर पोजिशन पे होते हैं, मैनेजर पोजिशन में कंपनीज में, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंडली जो है वो इनके जो कोर्सेज़ हैं, तो वो लिंक्डइन के कोर्सेज़ भी आप अपने फील्ड के रेलिवेंट जो देखें वहाँ से आप करें, वो भी बेनिफिट ऐड करता है। आप उसको अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल में ऐड करें, अपने सीवी में ऐड करें, ताकि जो है वो आपको एक एडिड बेनिफिट देगा। ऑलमोस्ट पूरे गल्फ में इस टाइम जो जॉब ज़्यादातर इन हैं, वो अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं वो उनमें सबसे ज़्यादा जॉब्स इस टाइम चल रही हैं। स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया में आपको शायद किसी को पता होगा कि वहाँ पे एक मास डेवलपमेंट चल रही है, जो कि एक नियोम सिटी के नाम से एक पूरा शहर नया बन रहा है। और उसके अलावा कतर में अच्छी खासी डेवलपमेंट चल रही है, दुबई में भी ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन तो चलता रहता है वहाँ पे भी, लेकिन ये जो सऊदी अरेबिया और कतर है यहाँ पे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है इस टाइम। तो जो इन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी फील्ड टू फील्ड वेरी करता है, दुबई ने इस टाइम जो है वो वीज़ा कैटेगरीज बहुत लॉन्च की हैं, तो उसकी वजह से जो फील्ड्स हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो फील्ड हैं, वो लोग जो है वो रिमोटली भी काम कर रहे हैं बैठे हुए, और वीज़ा उनकी कैटेगरीज उन्होंने लॉन्च की हैं, जो कि आप वहाँ पे जा भी सकते हैं और आप अपने होम कंट्री से भी बैठ के काम कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा मोटिवेशनल बात कर देता हूँ कि ट्राई आपका करना जो है वो आपके ऊपर होता है, और बाकी जॉब का मिलना ना मिलना वो आपका, जहाँ पे आपकी रेस्टिनी लिखी हुई है वहाँ पे आपको मिलेगी। तो मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैंने भी जब 2014 में स्विच की थी जॉब और गल्फ में गया था मैं, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं यकीन था कि मैं जा सकता हूँ कि नहीं, कुछ मेरे सर्कमस्टांसिस भी वैसे थे। तो उस टाइम मुझे लग रहा था, मैंने उनको एक दो दफ़ा मना भी कर दिया कि मैं नहीं आ सक रहा। हालाँकि मतलब अगर किसी को अपने होम कंट्री में बैठे हुए जॉब मिल जाए तो मेरे ख्याल से वो बड़ा लकी उसको कंसिडर किया जाता, लेकिन मैंने पहले उनको दो दफ़ा मना किया, फिर मेरा वीज़ा लग गया, फिर मैंने उनको मना किया, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली क्योंकि मुझे जाना था वहाँ पे और मेरा जो है वो लिखा हुआ था वहाँ से पैसे मुझे मिलने थे, वहाँ से ज़िंदगी चलनी थी आगे, तो मैंने जो है वो मूव किया वहाँ पे मैं। तो आप लोगों ने जो है वो ट्राई करे रखना है, और लिंक्डइन पे एक्टिव रहें बहुत ज़्यादा। बाकी इंजीनियरिंग रिलेटेड जो जॉब्स हैं इस टाइम सऊदी अरेबिया में, मैं सब गल्फ कंट्रीज़ में से अगर मैं कहूँगा तो टॉप पे सऊदी अरेबिया है। वहाँ पे इंजीनियरिंग की जॉब बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं उनकी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, बड़े बड़े वहाँ पे सोलर प्लांट्स लग रहे हैं, और उसके अलावा दूसरी भी एनर्जी के जो है वो एनर्जी सेक्टर के जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे काम हो रहा है, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। उसके बाद कतर है, कतर में इस टाइम बहुत काम हो रहा है। ओमान में जो है वो एनर्जी सेक्टर पे बहुत काम हो रहा है, वहाँ पे भी आप अगर कोई एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड काम कर रहा है तो वो ओमान में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर किसी को इस बारे में मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मज़ीद गाइडेंस चाहिए हो, तो मुझे ईमेल भी कर सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल ऐड कर देता हूँ, तो आप ईमेल कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प एनीवन। तो मैंने ऑलमोस्ट 8 ईयर्स काम किया है गल्फ में, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो जो लोग भी जाना चाहते हैं गल्फ कंट्रीज़ में, होपफुली उनके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। बाकी बात क्रिकेट की कर लेते हैं थोड़ी सी। आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, काफ़ी बड़ा मैच है, तो लेट्स सी कैसा होता है और क्या रिज़ल्ट निकलता है। ओके एवरीवन, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट एवरीवन कैन गेट हेल्प फ्रॉम इट। थैंक्स।